दीपावली धनतेरस का त्योहार नजदीक है, ऐसे में बाजार बर्तनों से सज चुका है। अल्मोड़ा में तांबे के बर्तन इन दिनों बाजार की शोभा बढ़ा रहे हैं। अल्मोड़ा का तांबा हैंडीक्राफ्ट न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। यही कारण है कि अल्मोड़ा को ताम्र नगरी के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ का तांबा कारोबार लगभग 400 साल पुराना माना जाता है। हालांकि धीरे धीरे सरकारों की उपेक्षा के कारण आज ये व्यवसाय सिमटा हुआ है। तो काफी ज्यादा था ये काम, अब तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। जो लोग काम करते हैं उनकी आर्थिक स्थिति भी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और एक हमारे अल्मोड़ा में एक लाला जी, हमारे अनोखे लाल संस, उनके काम करते हैं, हम उन्हीं का माल बनाते हैं, वही हमारा घर चलाते हैं, वही सब कुछ हमारे लिए। बस ये काम बचपन से बना रहे, पुरखों से चला रहा हमारा कार्यक्रम ये कार्य। और हम दुकान का ही काम करते हैं, लाला अनोखे लाल उनके, और ये हमारा पैतृक काम है। मतलब बचपन से करते आ रहे, हमारे पहले पुरखे लोग करते थे। सरकार की वजह से हमें अभी तक कोई ऐसा तो नहीं कराया उन्होंने हमारा व्यवस्था, या अपना ही हम बस लाला काम करते हैं, उसी से होता है हमारा। बता दें कि ताम्र नगरी के रूप में विख्यात अल्मोड़ा में एक जमाने में काफी मात्रा में तांबे का काम होता था। यहाँ के टमटा मोहल्ले में तांबे का उद्योग हुआ करता था। आज से 3 दशक पहले तक टमटा मोहल्ला की गलियों से गुजरते वक्त टन-टन की आवाजें सुनाई पड़ती थी। दरअसल ये आवाज तांबे के बर्तन बनाने वाले कारीगरों के घरों से आती थी। यहाँ दिन रात मेहनत करके वो तांबे के बर्तनों को आकार दिया करते थे। 400 साल पुराना अल्मोड़ा का तांबा उद्योग धीरे धीरे चौपट हो गया। आज से कुछ दशक पहले तक अल्मोड़ा के टमटा मोहल्ले में करीब 72 परिवार इस व्यवसाय से जुड़े थे, जो अब घटकर एक दर्जन भी नहीं रह गए हैं। ये बचे खुचे ताम्र कारीगर अब स्थानीय दुकानदारों की बदौलत ही इस व्यवसाय को बचाए हुए हैं। टमटा मोहल्ले के तांबे के कारीगरों का कहना है कि सरकार ने उनके व्यवसाय को प्रोत्साहित करने का काम नहीं किया। सरकार की उदासीनता के कारण उनका कारोबार आज पूरी तरह चौपट हो गया, लेकिन स्थानीय व्यवसायियों के कारण आज भी उन्होंने इसको रोजगार का जरिया बनाया हुआ है। अल्मोड़ा में टमटा मोहल्ला है, वहाँ के कारीगर और सरला गांव और बल्टा गांव के जो कारीगर हैं वो लोग इसको बना के लाते हैं। पहले सरला गांव के बहुत कारीगर थे, अब वो समय के अनुसार उनके परिवार के लोग चले गए, तो उनके बच्चे एक दो लोग ही उससे जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ टमटा मोहल्ला के कई सारे परिवार अभी इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। इससे वो कई वस्तुओं को, तांबे की जो यहाँ की बनती हैं, उनको बनाते हैं। किस तरीके के तांबे के आइटम यहाँ बिकते हैं? यहाँ पर जो है तांबे के पहले फौले और फौले चलते हैं, जो हर शादी में कलश के रूप में, पूरे हिंदुस्तान में कलश के रूप में दिया जाता है, तो यहाँ फौले के रूप में बनते हैं। यहाँ से नेपाल और ये अल्मोड़ा में जो है, ये हर परिवार में जो है, ये हमारे कुमाऊँ क्षेत्र में और गढ़वाल क्षेत्र में तांबे का जो फौला है वो दिया जाता है। हर गाँव में यहाँ पर तांबे का तौला बनता है, जिसमें 40 किलो, 50 किलो, 30 किलो चावल बनता है। वो तौला केवल अल्मोड़ा में ही बनता है। और यहाँ छोटी पूजा की तौली, जिसमें दिया जलाया जाता है, तांबे का अर्घा, तांबे का दिया, तांबे का गिलास, तांबे का जग और बजाने के यंत्र, जो हमारे केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिरों में, नेपालों में है, तुरई बोलते हैं, रणसिंगा बोलते हैं, सर्फ नदी बोलते हैं। वहीं अल्मोड़ा के टमटा मोहल्ला से बने तांबे के तोले समेत कई बर्तन आज भी नेपाल जाते हैं। यही नहीं, केदारनाथ बद्रीनाथ समेत तमाम मंदिरों के तांबे के छत्र मूर्तियां यहीं बनाई जाती हैं। यहां ताम्र कारीगरों द्वारा बनाए गए परंपरागत तोले, गागर, पोला, परात, पूजा के बर्तन के अलावा वाद्य यंत्र, रणसिंघा, तूतरी आदि बहुत प्रसिद्ध हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए अल्मोड़ा से निर्मल उप्रति की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।